हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है जुलाई का ये महीना, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके स्कॉर्पियंस, देखो सबसे पहला कार्ड जो आया है द टू ऑफ वॉन्स के कार्ड्स हैं, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है ट्रैवल, स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ट्रैवल होने के चांसेस हैं। इमोशनल हैप्पीनेस स्टार्ट ऑफ द मंथ में रहेगी, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में अच्छी सक्सेस है। जॉब के लिए देख रहे हो तो उसके लिए अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो जुलाई का महीना है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। एंड ना एक ऐसी कहानी या ऐसी सिचुएशन रहेगी जिससे आपको उभरना होगा, समझना होगा कि अगर ये चीज़, ये आपकी हैबिट या ये आपकी सोच या ये आपका बिलीफ सिस्टम, अभी तक जो आप सोच रहे थे शायद वो अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ये तरीके का काम नहीं करना चाहिए, मुझे सूट नहीं करेगा या मेरा मन नहीं कर रहा, या फॉर एग्जांपल आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि शायद सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सब इंसान ऐसे ही होते हैं, बट देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा भी जी सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं, थोड़े से स्ट्रगलिंग कार्ड्स भी हैं, तो जर्नी आपकी जुलाई महीने में हार्डवर्क बहुत होने वाला है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड है, ऐसा कार्ड है जहाँ पर इंसान ने उम्मीद की कि उनके कुछ ख़ास मदद करेंगे बट उन्होंने मदद नहीं की। सेकंड थिंग, पैसे को लेकर के ओवरथिंकिंग, पैसे को लेकर चिंता, पैसे का थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भैया खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं, मैनेज कैसे करें, बट मैनेजेबल है। तो ये मिड मंथ तक ये थोड़ा ना पैसे का, फोकस का, स्टडीज़ का, जो भी आपके करियर ओरिएंट आपके नो चीज़ें हैं, जॉब बिजनेस जो भी आप कह रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए तनाव बना हुआ दिखता है थोड़ा बहुत, बट ये ऐसा तनाव रहेगा कि कहीं पर भी चीज़ें रुकी नहीं है, रुकी नहीं है। एंड आपने बहुत ध्यान देना है कि अपना काम अगर आपका कोई होने जा रहा है, करने जा रहा है, तो बहुत जल्दी लोगों को मत बताइए, ये ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी। एंड रेस्ट, आपने अपने आप को पॉजिटिव बहुत रखना है स्कॉर्पियंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें बोले, ज़रूरी है। मिड जुलाई के बाद में बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा हेल्थ इम्प्रूवमेंट, मनी इम्प्रूवमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड कुछ न्यू ट्राई करते हुए दिख रहे, एक नए रास्ते पर आप बढ़ेंगे, जहाँ पर समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ नो इस तरीके से फ्लावर्स ही आपको खिले खिले मिलेंगे जीवन में। तो कहते हैं ना कि स्ट्रगल के बाद में अच्छा पीरियड आएगा, तो ज़रूर एक अच्छी इंडिकेशन देखी जाएगी जुलाई के महीने में। अब मैं अगर वो एस्पेक्ट की बात कर लूँ कि लव रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए मैं कहूँगी अगर किसी से अट्रैक्शन है तो इस महीने में वो अट्रैक्शन रिलेशनशिप में अभी भी कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखती, बिकॉज अभी भी कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे। जो लोग मैरिड हैं या जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते बट वो अपने आप सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे, नो नीड टू वरी। बट जो मेन एस्पेक्ट होगा, आपकी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होने की ज़रूरत बहुत होगी इस समय में, बहुत ज़रूरी है। एंड जितने भी लोगों को लगता है कि नो कि उनको इस समय में उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, जो लोग मैरिड नहीं हैं एंड रिलेशनशिप चिंता बहुत सता रही है, गिव सम टाइम, आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा सा वक्त लेकर समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्दी हैं, सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
बहुत ज़रूरी है, थोड़ा स्पेस देना होगा इस समय में। आगे मैं अगर बढ़ती हूँ, जो मैं एंड ऑफ द मंथ की बार बार बात कर रही हूँ कि नियर बाय मतलब 20 जुलाई के बाद में फेवरेबल चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। स्टेबिलिटी, मन की, दिमाग की स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अब मन चिंता में नहीं रहेगा, मन एक स्टेबिलिटी महसूस करेगा, ग्रोथ महसूस करेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। जो अभी तक एक रिस्क लेने को डर रहा था, आगे बढ़ने को कंफ्यूज था, वो कहीं ना कहीं फ्लो बेहतर होता हुआ ज़रूर देखा जाएगा। सो बेसिकली आप लोग का जो बेस्ट टाइम बनता है वो आफ्टर 20 जुलाई के बाद में धीरे धीरे होगा, बट एंड ऑफ द मंथ इज़ मच मच बेटर। उससे पहले चीज़ों को आप न्यूट्रली समझें कि भैया जो रूटीन चल रही है वैसी चलेगी, ये देखा जा रहा है। एग्ज़ाम एडमिशन कुछ है तो मैं कहूँगी बेटर होगा कि आप एंड ऑफ द मंथ में जाएँ तो अच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट होने ही वाला तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी कोई नीड नहीं है। जस्ट एन एडवाइस, नो नीड टू वरी। गाइडेंस कार्ड भी देख लेते क्या आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है ना, नाउ इज़ द टाइम टू बी स्टिल, ये कार्ड कहना चाहता है कि ना यहाँ पर ये जो तीन सिचुएशंस आई थी ना स्टार्ट ऑफ द मंथ में, ये स्पेशली ऐसा वक्त होता है जहाँ पर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, एक्सेप्टेंस और शांति से समय को बिताना पड़ता है। तो धैर्य रखना, चीज़ों को बहुत जल्दी कंक्लूड मत करना बाप रे ये हो गया, ऐसा हो गया, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, नहीं। कुछ समय के लिए ये पैटर्न, थिंकिंग प्रोसेस, सिचुएशन आएगी, अपने आप चली जाएगी। उस टाइम पे नो जितना हो सके आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि भैया खुद को हिम्मत और सहारा देते रहे। बाकी आगे जैसे मैं बढ़ती हूँ, यहाँ पर नो पास्ट ब्लॉकेजेस को भी निकालना ज़रूरी होगा। जो भी आपके मन में चिंता है, लग रहा है भाई नेगेटिविटी है, तो क्लेंजिंग ज़रूर आपने करनी है इस महीने में। अपने घर से जो भी सामान आपको यूज़ नहीं हो रहा है वो कीजिए, सिंपल हैबिट्स कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी और घर से भी और आपके ऑरा से भी क्लेंजिंग होती जाएगी। बाकी ये जो दो कार्ड्स हैं ये समझ लीजिए एंड ऑफ द मंथ में खुशी और पॉजिटिविटी लाते हुए दिख रहे हैं, धन अपॉर्चुनिटी भी लाते हुए दिख रहे हैं, मेहनत का फल भी लाते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।